Hi everyone, myself Sarshad Sheikh. Welcome to my channel Sarshad Sheikh Recipes. आज हम बनाएंगे मावा पेड़ा। रेसिपी बहुत सिंपल और इजी है। मावा पेड़ा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मावा एक बड़ा बोल, एक छोटा बोल दूध, शक्कर एक छोटा बोल, 2 चम्मच घी, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। चलिए मावा पेड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पैन लिया है, पैन को मीडियम फ्लेम पे रखा है। पैन गरम होते ही इसमें हम दूध डालेंगे। दूध को हमें अच्छे से पकाना है। 2 बॉईल आने तक हमें दूध को पकाना है और बीच बीच में चमचा चलाते रहना है ताकि नीचे से दाग ना लगे। दूध हमारा अच्छे से पक चुका है। अभी हम गैस का फ्लेम स्लो करेंगे और इसमें शक्कर डालेंगे। अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। अभी हम इसे अच्छे से पकने देंगे स्लो फ्लेम पे। आपको बीच बीच में चमचा चलाते रहना है। देखिए हमारा दूध अभी थिक हो रहा है। अभी हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अभी हम इसमें मावा डालेंगे। यहाँ मैं फीका मावा यूज कर रही हूँ। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो मावा है ये दूध में अच्छे से मिक्स होना चाहिए। थोड़ा भी लम्स नहीं रहना चाहिए, तब तक हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अभी पूरे लम्स चले गए हैं। अभी इसको हम स्लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पकाएंगे। अभी हम इसमें घी डालेंगे। घी डालने से हमारे पेड़े शाइन भी देंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे रखकर इसे पकाना है। आप अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मेरा स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको कंटिन्यूसली इस मिक्सचर में चमचा चलाते रहना है ताकि वो नीचे ना लगे। पेड़े का मिक्सचर जब पक जाएगा तो इसका कलर भी चेंज होगा। देखिए हमारे पेड़े का मिक्सचर थिक होने लगा है। पेड़े का मिक्सचर हमें इतना ही थिक रखना है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके लेंगे। यह मैंने प्लेट लिया है, घी से इसे ग्रीस किया है। यह मैंने पेड़े का मिक्सचर ट्रांसफर करके लिया है। अभी हम इसे ठंडा करके लेंगे। आपको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, जितना गर्म आप सह सकते हो हाथ पे पेड़ा बनाने के लिए आप उतना ठंडा करके ले। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन प्रेस करें जिससे आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अभी हम हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे और हाथ को ग्रीस कर लेंगे घी से। आपको जितने साइज़ का पेड़ा चाहिए उतने साइज़ का हम मिक्सर लेंगे और उसके गोल पेड़े बना लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने मिक्सर को गोल बनाया है बॉल के शेप में और थोड़ा सा उसे प्रेस किया है ताकि वो पेड़े के शेप में आए। अभी हम पेड़े को प्लेट में रख देंगे। अभी हम बाकी के पेड़े बना के लेंगे। आप पेड़े को शेप भी दे सकते हो आपके हिसाब से। आपके पास कोई मोल्ड होगा तो आप उसमें डाल सकते हो, वो पेड़ा उस शेप में बन जाएगा। ये एकदम सिंपल मेथड है। आपके पास कोई मोल्ड नहीं है तो आप पेड़े को ऐसी सिंपल मेथड में बना सकते हो। आप इसका रोल भी बना सकते हो।
देखे हमारे मावे के पेड़े कितने अच्छे लग रहे। मावे के पेड़े खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मावे के पेड़े बना के आप फ्रिज में रख सकते हो एयरटाइट कंटेनर में, 3 से 4 दिन तक रख के आप उसे खा सकते हो। देखिए हमारे सारे पेड़े तैयार है, आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हो। आप पेड़े को प्लेन भी रख सकते हो और डिज़ाइन भी दे सकते हैं। हम पेड़े पे डिज़ाइन देंगे फोक की हेल्प से। फोक को आपको हल्का सा प्रेस करना है और निकालना है। अपोजिट साइड में भी हम सेम ऐसी ही डिज़ाइन देंगे या हम चारों तरफ से सेम डिज़ाइन देंगे। देखो दिख रहे हैं ना मार्केट जैसे सेम पेड़ा, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं ये पेड़ा। अभी हम दूसरे पेड़े में भी डिज़ाइन देंगे, आपको हल्का सा प्रेस करना है और निकालना है। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इस पर ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हो। अभी हम बाकी के पेड़े पे भी सेम ऐसे ही डिज़ाइन करके लेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे पेड़े पे डिज़ाइन करके ली हूँ और बीच में पेड़ा मैंने प्लेन ही रखा है। या मैं आपको पेड़ा तोड़ के दिखाती हूँ, देखो पेड़ा हमारा कितना सॉफ्ट बना है। देखिए पेड़े का टेक्सचर सेम मार्केट जैसा है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।